हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है बहुत सारे बच्चे ने कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर पाए, सीबीएसई की गलती हो या उनको डेट पता नहीं चला, दोनों में से कोई भी रीजन हो, बट बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर पाए, आगे क्या होगा और आगे क्या करेंगे, और उसके बीच में जो गैप बच रहा है उस बीच में आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, उसको फ्रूटफुल आप यूज कर सको। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कंपार्टमेंट फॉर्म आपने नहीं भर पाया तो सीबीएसई के हिसाब से आपको पता है साल में 2 बार कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है। अब ये सितंबर में होगा, यानी अगस्त में फॉर्म लास्ट डेट चला गया है 1 अगस्त को। तो दोस्तों, अब दोबारा जो फॉर्म आएगा ये आएगा अक्टूबर में। दैट मीन्स अगर आपको मार्च में पेपर देना है जो रेगुलर बच्चों के साथ, देन आपको अक्टूबर में जो फॉर्म निकलेगा उसको आपको फिल करना चाहिए, ठीक है। देन आप अक्टूबर में फॉर्म फिल करेंगे, आपका मार्च में पेपर होगा। अब आपके माइंड में ये आता होगा पूरे 1 साल तो हमारा वेस्ट चला गया, अभी ये 7 से 8 महीने हम करेंगे क्या, खाली बैठे रहेंगे। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना जाए, आपका ईयर वैसे ही ऐसे जा रहा है, खराब तो हो ही गया, तो आप उसको फ्रूटफुल यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूं, आप अपना जो भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है उसको आप 2 से 3 घंटे डेली रूटीन बना लीजिए कि मुझे डेली 2 से 3 घंटे उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप कोई भी एक शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन जो कोर्सेस होते हैं उसको कर लेना चाहिए। लाइक कंप्यूटर कोर्स में आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, और एथिकल हैकिंग कोर्स करते हैं 6 मंथ का, जिससे आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं और आप अपना करियर भी बना सकते हैं और आपका वेस्ट नहीं जाएगा 1 साल पूरा पूरा। दूसरे तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लाइक फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मनी सीख सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज और स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस भी आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आप इंटरेस्ट हो तो बाहर जाने के लिए तो आप कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, एनडीए वगैरह एग्जाम की, तो आप उस चीज की भी तैयारी कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, ये जो 6-7 महीने आपके पास बच जाएगा वो 6-7 महीने को आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम डिप्रेशन में आ गए, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आता है, बट मेरे मानना कि डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर एक चीज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर ही खत्म हो गया, आगे और बहुत सारे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है। भगवान एक डोर बंद करता है तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होंगे जो डोर बहुत सारे होंगे जो हमारे लिए खुल जाते हैं, तो आपको फोकस उस पर करना है। अगर बाय चांस यहाँ पे नहीं हुआ, आपका आपने फॉर्म तो भर नहीं पाया, टाइम तो वैसे भी जाएगा, उसी टाइम को आप फ्रूटफुल यूज कीजिए, आपका 2 से 3 घंटे कंपार्टमेंट पेपर के लिए टाइम निकालिए, बाकी टाइम आप किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करिए जिसमें आपको आगे जाके इनकम प्रोवाइड कराएगा, और कोई भी एक मतलब टैलेंटेड चीजें करा लो, सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, उससे फायदा होगा। जिसको बहुत ज्यादा डांसिंग सिंगिंग में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। दोस्तों, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना और डिप्रेशन में मत जाना, बहुत सारे चीजें अभी मतलब आपका करियर तो स्टार्ट ही हो रहा है 10th और 12th, तो ध्यान रखना अक्टूबर में फॉर्म आएगा वो फॉर्म फिल करना मत भूलना, नहीं तो फिर आपके जो मार्च और अप्रैल में जो पेपर होने वाला है वो भी ऐसे जाने वाला है, तो ऐसे मत करना, नेग्लेक्ट मत करना। इस बार जो भी नेग्लेक्ट हो चुका है हो चुका है, अगले बार से नेग्लेक्ट बिल्कुल ही मत करना। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा अगर कंपार्टमेंट फॉर्म आपने नहीं भरा है तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करो, खाली मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, और टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनी में जाना है हमें, इसलिए टेंशन फ्री रहना। थैंक यू, जय हिंद।